बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में न्यूमेरिकल एनालिसिस में सबसे पहले कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी करेंगे और राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये हम यहाँ देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे जैसे मैपल है, मैथमेटिका है, और इनका यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास है लीपैक है, TI इंस्पायर है, और भी जो है मेट लैब है। इस तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के सॉल्यूशन के लिए। इन जो टेक सारे सॉफ्टवेयर हैं ये एजुकेशन फॉर ऑल जो ये यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर मौजूद हैं। आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। कुछ अगर मिसिंग हैं तो आप वो हमें वो बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और बाकी लेक्चर भी आप को जो जो आपको ज़रूरत पड़े। अभी जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर आपने देखे इनको तो हम चूँकि आप इलादा से इनकी स्लाइड्स मौजूद हैं, जो जो न्यूमेरिकल एनालिसिस में ये सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए हैं, इसमें मैपल के ऊपर और इसके अलावा मैथमेटिका और जो मैटलैब है इसके ऊपर पूरी प्रोग्रामिंग आपको एजुकेशन फॉर ऑल से मिल सकती है। अब हम यहाँ पे हैं चैप्टर नंबर 19 में, न्यूमेरिकल इन जनरल। अब जनरली न्यूमेरिकल एनालिसिस का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम इसमें यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। किसी भी किस्म की कोई इक्वेशन है, चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है या PDE है, उनके सॉल्यूशन हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल को लिया गया है कि इंट्रोडक्शन के तौर पे कि इसको कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाए। तो इन चीज़ों को हम चूँकि स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकली इंटीग्रेट किया जाता है। हम जो स्टेप लेते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में, सबसे पहले हम उसमें मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग में क्या किया जाता है, जो प्रॉब्लम दिया होता है हमें उसको हम मॉडल करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको आप सीखेंगे भी आगे मॉडलिंग, ये कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उसके लिए जो भी प्रोसीजर किया जाता है या टेक्निक अपनाई जाती है। फिर उसके बाद हम चूज़ करते हैं कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल मेथड है जो कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो मॉडलिंग जो होता है इसका तल्लुक ज़्यादातर फिज़िकली होता है, फिज़िक्स से होता है, जिससे हम क्वेश्चन अराइज होते हैं और हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशन या हमारे पास कोई भी एक जनरल इक्वेशन जो है हमें मिलती है, और फिर हम देखते हैं कि कौन सा मेथड जो है हमारे लिए बेस्ट है। फिर नेक्स्ट वन पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, एक एल्गोरिथम लिखते हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर, या फिर आप लोअर लेवल पे हैं तो हम उनको जो है सॉल्व करते हैं बाई मैनुअली। तो यहाँ पे हम ये जो सॉफ्टवेयर है, मैपल है, मैथमेटिका है, मेट लैब है, फोर्ट्रॉन है, सी है, C++ है, इनका यूज़ करते हैं, और फिर हम इनके जो रिज़ल्ट होते हैं इनको हम मैनिपुलेट करते हैं। इन रिज़ल्ट से हम ये चेक करते हैं क्या वाकई ही हम जो नतज अखज़ किए हैं क्या ये ठीक भी हैं या नहीं। अब हम यहाँ पे बात करें कि एक फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म ऑफ नंबर से कैसे देखें। एक होता है फिक्स पॉइंट क्या होता है, जैसे ये देखें नंबर लिखा हुआ है 62.358। अब ये है फिक्स है, इसके पीछे कोई और वैल्यू नहीं है, ये भी अप टू थ्री डेसिमल फिक्स है। अब है जैसे फ्लोटिंग पॉइंट में ये होता है कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो यहाँ फ्लाट कर रहे हैं, जो यहाँ पर आपको तैरते नज़र आ रहे हैं, वो ये है कि 0.6247 मल्टीप्लाई बाई 10^3। अब देखें यहाँ पे 10^3 है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसी तरीके से ये जो है ये 4 डेसिमल तक तो फिक्स हैं, लेकिन ये जो 10^3 है, 10^-23 है, ये डिफरेंट सी आ रही हैं, तो इनकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है। ओसो के यू अंडरस्टैंड अबाउट द फिक्स पॉइंट मीन के आपने नंबर्स को एक ख़ास तादाद तक, जैसे हमने 3 डेसिमल तक फिक्स कर लिया, और अगर हमने फिक्स नहीं किया और यहाँ पे हमने 10^10 में लिख दिए बाकी डिजिट, तो इसको हम फ्लोटिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है शॉर्टली से हम इसे देख रहे हैं, ये चूँकि सॉफ्टवेयर से है, मशीनी की लैंग्वेज से मुतल्लिक है, तो
कोई इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप अगर इसमें ब्रीफली इंटरेस्ट रखते हैं या आपके मुतलका है ये जिसमें आप देखना चाहते हैं, तो आप मज़ा हमारे इसके मुतलका जो लेक्चर होंगे उनको ज़रूर देखें। अभी हम यहाँ पे ये हमने लिखा है ए इक्वल टू प्लस माइनस एम टेन पावर एन, इसको क्या मतलब है आप देखें तो ये नंबर है, जैसे इस नंबर को, इस सारे नंबर को हमने ए का नाम दे दिया, तो आप देखें इसका नाम हमने ए रख लिया। ये जो एम है, एम मीन के ये वाला नंबर है ये वाला, और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 को, ये 10 पावर जो एन है हमने जनरल लिखा है इसको। अब इसमें जो एम होता है, इस एम को हम लोग मेंटिसा कहते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है इसमें मैं इसको मज़ीद डिस्कस नहीं कर रहा। इसमें है, अब है अंडर फ्लो और ओवर फ्लो की बात हो रही है। अंडर फ्लो जो है वो क्या है और ओवर फ्लो क्या है। अंडर फ्लो ये है कि देखें, अगर हम कंप्यूटर यानी कि लैंग्वेज में अगर देखें इसको, तो फ्लोटिंग पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर अ सिंगल सेक्शन, फॉर मतलब ये कि आप ये समझें, इन दोनों वैल्यू के दरमियान में हमारा जो कैलकुलेशन हो रही है 2 की पावर -1 to 6 तक है, और 2 की पावर 1 to 8 है। इन दोनों के दरमियान जो नंबर है वो जो है अंडर फ्लो है, और अगर इनसे आउट हो रहा है यानी इन पावर से बाहर निकल रहा है पॉइंट, ऊपर या नीचे जा रहा है, तो इस केस में हम उसे ओवर फ्लो का नाम दे रहे हैं। ओके व्यूवर, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपने सीखना है, राउंड ऑफ करना सीखना है कि नंबर्स को राउंड ऑफ कैसे करते हैं। होप्स हो कि आप इसके लिए रेडी हैं राउंड ऑफ करने के लिए। कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा राउंड ऑफ करने के लिए, आपने इन्हें माइंड में रखना है। सबसे पहली बात ये कि डेसिमल प्लेस, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, जैसे ना ये लिखा हुआ है, ये सपोज ये आंसर है 1.234, तो ये जो है ना 3 डेसिमल प्लेस है, मतलब ये कि पॉइंट के पीछे 3 डिजिट हैं। इसी तरीके से यहाँ पे ये 4 डेसिमल इसलिए है कि 2, 3, 4, 5, यानी कि टोटल 4 डिजिट हैं अब पॉइंट के आफ्टर द डॉट। ओके, अब हम इस पे आएँ तो यहाँ पे है 2, 3, 4, 5, 5, यहाँ पे 5 डेसिमल हैं, यहाँ पे डेसिमल प्लेस तक ये जा रहा है। तो अब आपने डेसिमल प्लेस को तो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हमारा प्रॉब्लम है कि हम राउंड ऑफ करते कैसे हैं। अब देखें, जैसे हमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये है 1.234551 इसको राउंड ऑफ करते हैं 5 डेसिमल तक। 5 मीन के देखें 2, 3, 4, 5 डिजिट तक जाएं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये जो 555 है यहाँ पे हमने रुकना है। ये देखें हम 555 पे रुक गए, इससे आगे हम नहीं लिखेंगे। अब लिखने का क्या रूल होता है, जो डिजिट लिखते हैं हम लोग क्या रूल होता है। अच्छा, आप सबसे पहले इस पे गौर करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वन, ये इसको गौर करें, ये लिखा हुआ है 1.235, 1.235। अब यहाँ पे एक तो ये आप नीचे वाला देखें 1.234561, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास है, हमने इसे 4 डेसिमल तक लिखना है, तो हम इसको लिखते हैं 4 डेसिमल तक लिखना है, तो 1. हम लिखेंगे 2, 3, 5 और 0, यहाँ तक हम इसे लिखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि राउंड ऑफ जब करते हैं तो बाकी डिजिट जो हम गैप कर देते हैं किस रूल से गैप करते हैं। हम ये करते हैं कि अगर जिस डिजिट के ऊपर हमने रुकना होता है, इस बात को समझिएगा, जिस डिजिट के ऊपर हमने स्टॉप करना होता है, उस डिजिट के पीछे वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा हो तो उस डिजिट को बढ़ा देते हैं, यानी कि 0 के पीछे अगर 6 लिखा होता तो यहाँ पे हम 1 बना देते। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 0 के पीछे 4 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 0 पे ही रोक देंगे, मैं बात कर रहा हूँ 4 डेसिमल प्लेस तक की। और अगर 5 है तो फिर हम इसको बढ़ाते भी हैं और कम भी करते हैं। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो ये नीचे है, देखें लिखा हुआ है 1. आपने 5 डेसिमल प्लेस तक लिखना है, 5 डेसिमल प्लेस यहाँ तक है, 5 तक, तो ये देखें 5 तक लिखा हुआ है ना,
फाइव डेसिमल प्लेस तक, देखिए ना, दो दो चार और एक पाँच इंच से हैं। अब हमारे पास है, अगर देखें फाइव के पीछे लिखा हुआ था वन, अगर इस वन की जगह यहाँ पे होता सिक्स तो हम यहाँ लास्ट पे फाइव ना लिखते, इसको एक बढ़ा के लिखते, सिक्स कर देते, क्योंकि जब भी फाइव से बड़ी वैल्यू उस जगह पे मौजूद हो, उससे पीछे मौजूद हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको एक इंक्रीज़ करते हैं। तो यही नहीं कि यहाँ पे अगर इस वन की जगह नाइन लिखा होता तो हम यहाँ सिक्स पे स्टॉप करते, यहाँ एट लिखा होता तब भी यहाँ सिक्स लिखते, यहाँ पे सेवन लिखा होता तब भी सिक्स लिखते, सिक्स लिखा होता तब भी सिक्स लिखते, लेकिन फाइव लिखा होता तो फिर हम तब इसको क्या करते, फिर हम इसको सिक्स कर देते। अगर फाइव लिखा होता तो सिक्स कर देते, क्यों कि अगर फाइव हो और यहाँ पहले से इवन हो, सॉरी आड हो, अगर आड हो तो उसको बढ़ा देते हैं, और अगर इवन हो तो रहने देते हैं। रहने देने का मतलब ये कि देखें, जैसे यहाँ पे है सिक्स डेसिमल तक इसको लेके जाना है और सिक्स डेसिमल सिक्स पे पूरा हो रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो है हमारे पास 1.2345, ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सिक्स तक हम लेके आए हैं। तो हमने सिक्स को एक इंक्रीज़ करके लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर हम सेवन लिखेंगे, सिक्स की जगह सेवन हमने लिख दिया। तो हमारे पास है ये जो सेवन हम लिखते हैं, हम इस रूल से लिखते हैं यहाँ पे कि क्योंकि सिक्स के पीछे सेवन लिखा हुआ और फाइव से बड़ा है, और अगर ये फाइव होता तो इसको हम सिक्स ही रहने देते, क्योंकि अगर ये इवन हो तो ये यहीं पे स्टॉप करता है।